HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। 70 और 80 के दशक में विलेन बनकर मशहूर हुए लेजेंड एक्टर अमजद खान ने अपने करियर में कई लुभावनी परफॉर्मेंस दी। लोग आज भी उनकी एक्टिंग को याद करते हैं। शोले में गब्बर के किरदार को निभाकर अमजद खान असल जिंदगी में ही गब्बर के नाम से मशहूर हो गए थे। कुछ ऐसी ही उम्मीद उनके बेटे शादाब खान से भी लगाई गई। शादाब खान जब बॉलीवुड में लॉन्च हो रहे थे तो सभी को लगा कि पिता अमजद खान जैसा करिश्मा बिखेरेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उनकी पहली ही फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। शादाब खान की पहली फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जिसमें उनके साथ रानी मुखर्जी थी, लेकिन फिल्म तो फ्लॉप हुई ही। शादाब की एक्टिंग को भी लोगों ने नापसंद किया। पिता के स्टारडम के बलबूते शादाब को कई और फिल्में मिली, लेकिन उनका भी बुरा हश्र हुआ और फिर वो फिल्मों से गुमनाम हो गए। फिल्मों की दुनिया से दूर शादाब खान ने अपनी ही दुनिया बनाने की कोशिश की। कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे वो अपने पिता के नाम को रोशन करें। ये सोच शादाब खान ने पहले तो डायरेक्शन में किस्मत आजमाई और सोचा कि वहाँ वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन शादाब ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने एक ऐसा काम करने का फैसला किया जिससे उनके पिता को पूरी दुनिया जाने और उनकी स्ट्रगल और मुश्किलों से पूरी दुनिया वाकिफ हो। यही सोच उन्होंने अपने पिता अमजद खान पर एक बायोग्राफी लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने अमजद खान द्वारा किए काम और उनकी असल जिंदगी के बारे में बताया। शादाब खान की ये किताब काफी पॉपुलर हुई। खुद अमिताभ बच्चन ने भी इस किताब और शादाब के लेखन की खूब तारीफ की। आज शादाब खान एक लेखक के तौर पर खूब नाम कमा रहे हैं।